ये एक शॉर्ट वीडियो है उन लोगों के लिए जो डाउजिंग सीट पे हैं। डाउजिंग मीन्स पेंडुलम से होने वाली एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना। मैं इसमें बेसिकली आपको ये बता रहा हूँ कि डाउजिंग के वेज क्या होते हैं, डाउजिंग की चाल कैसे बनती है, जिससे कि आप डाउजर से अपने क्वेश्चंस कर पाते हैं और उनके आंसर्स को रीड कर पाते हैं। तो मेन चीज होती है, सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है कि डाउजर की चाल क्या होती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं इसके अंदर इस तरह से जो ये आगे पीछे चल रहा होता है उसको हम यस में लेते हैं, ठीक। अब लेफ्ट राइट जो जाएगा ये नो में होता है, ये अपने आप डाउजर चलता है बिकॉज आपकी शक्ति से, आपके मंत्रों से, है ना, हाथ से नहीं चलाया जाता है। उसके बाद में जब ये पॉजिटिव होगा कोई भी आपका, तो ये इस तरह से क्लॉकवाइज पॉजिटिव जाएगा, ओके, देख रहे हैं आप। उसके बाद यदि कोई चीज निगेटिव हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। इसके बाद यदि हम एवरेज, हम जब किसी क्वेश्चन का आंसर लेते हैं उसको एवरेज समझते हैं, ये हमें देख रहे होते हैं कि अभी होगा या नहीं होगा, हम 50-50 में चल रहे होते हैं, तो उसको इस तरह से जाता है, तब ये आपका एक क्रॉस, इस तरह से क्रॉस होगा, मतलब ये बीच में से इस तरह से जाएगा। तो इस तरीके से जो डायरेक्शंस होते हैं पहले आपको वो सीखना पड़ते हैं और उन सीखने के अनुसार फिर आप आपका डाउजर पर वर्क कर पाते हैं। तो एक बेसिकली ये एक हमने आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि नॉर्मली कभी किसी को मालूम ही नहीं है, अभी तक भी जो हमने देखा है जो भी लोग करते हैं वो सिर्फ यस नो ही समझ रहे होते हैं। तो आइए कि जानकारी देते हुए मैंने आपको ये चीज़ बताई है, जो भी लोग हमारे यहाँ से डाउजिंग का कोर्स करते हैं उन सभी के लिए भी ये विशेष रूप से है।